झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर राजनीति का पारा चढ़ गया है। इस मुद्दे को लेकर खूब राजनीति हो रही है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग भी कर डाली है। दरअसल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने एक विवादित बयान दिया है। हफीजुल हसन गढ़वा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्होंने हिंदू मुस्लिम और जहांगीरपुरी पर बयान दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि मौजूदा केंद्र सरकार में एक धर्म विशेष को ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा था कि मुस्लिम 20 और हिंदू 70 से 80 फीसदी हैं। अगर विवाद ज़्यादा बढ़ा तो मुस्लिमों के 20 घर बंद होंगे और हिंदुओं के 70 घर। इसी बयान पर विवाद बढ़ गया है। तो पता है कि जो हो रहा है, जो सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% है तो आप 80% 70% है, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 बंद होगा तो आपका 70 घर बंद होगा। तो ये चीज समझ में सब आ गया है सबको। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुवर दास ने विवादित बयान देने वाले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। रघुवर दास ने तो यहां तक कह दिया है कि ऐसे विवादित बयान देने वाले मंत्री को जेल भेज देना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन के मंत्री का बयान स्वीकार करने के योग्य नहीं है। बताते चले कि झारखंड में खदान आवंटन के मुद्दे पर खुद सीएम हेमंत सोरेन भी विपक्षियों के निशाने पर हैं। अब उनके मंत्री ने विवादित बयान देकर सियासी हंगामा और खड़ा कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।